What's up, bye, good morning. It's day 10 and we are leaving back to Leh, and we will complete our circuit at Leh today. Today is 10th day. It's a 10-day ride. It's going to end at Leh. Then we will think how we push back. If we will push back by Kargil, then it's no point of recording anything. Yeah, if we get the chance to get back by Manali side, so then definitely I'll record for 2 more days. Otherwise today I'll end the vlog at Leh and I'll just finish off my riding. So let me give you a look at the resort just to say bye. See, these are the cottages. There we have our bikes and that's all. I'll just put on my sticker as well. And that's there. Probably I'm the second one to be here. So let's kick on the bike and see you on the road. Time to say goodbye to Hundar. So now our target is to first get the fuel up done at Dixit. After that, straight to Khardungla. From Khardungla to Leh. The distance is 125 km, but still it's a long way to go, plus it's a high pass. I just reached Khalsar. This is, wow, the light is beautiful. I was restaurant cover karne mein laga, chalo koi nahi. So abhi tak to the road bahut ganda tha. What I get to know, Khalsar se Khardungla ka the rasta hai, that is also not that great. So let's see. मतलब मेन खलसर इज 6 किलोमीटर. दिस इज द खलसर पेट्रोल पंप बेसिकली. अब इस खलसर पेट्रोल पंप से पीछे था से लेकर ले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है एंड देर इज अ पास Khardungla. तो इफ यू आर शॉर्ट विद पेट्रोल तो मेक श्योर यू रिफिल योर पेट्रोल एट खलसर ओनली, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा. हम जब आए थे उधर से आए थे हम लोग, और अब हम जब जा रहे हैं तो इधर से जा रहे हैं. आई होप कि यहाँ पर रोड ठीक होना चाहिए. ऑल्दो जो हमारा कल ड्राइवर था उसने बोला था कि अब जल्दी निकलना, अदरवाइज तो रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है 10 बजे, और जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो फिर स्लो हो जाता है ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं लोग. सो लेट्स सी हाउ वी विल हिट, बिकॉज यहाँ से Khardungla इज अबाउट 100 किलोमीटर ओनली. 100 किलोमीटर लगता कम है सोचने के लिए, बट वी डोंट नो कैसा रोड होगा. हम तो ये सोच के जा रहे हैं कि जल्दी पहुँच जाएंगे तो आई विल फिक्स माई बाइक का चेन लूज हो गया है. आई गेट द चेन थिंग डन, और अगर वो सर्विस कर सकते होंगे तो आई गेट इट सर्विस ऑल्सो, बिकॉज बाइक के 5000 किलोमीटर्स हो गए हैं. 4916, तो 100 किलोमीटर तो और जा ही रहे हैं तो 5000 कम्प्लीट हो जाएगा. तो 5000 सर्विस ड्यू है. Khardungla रोड इज बैड मैन, लुक एट दिस, वेरी बैड. Someone tell me it used to be a good road. You will enjoy the ride. But this road is taking me on a ride. What is this, man? But it isn't great. Chalo, anyways, views to achhe hain. It was then what we think. My God. Khardungla is right. इतनी कंस्ट्रक्शन और इतना बवाल है यहाँ पे. चलो बाइक चलाते हैं, व्लॉग बाद में करेंगे, पहले यहाँ से निकल लें, बिकॉज कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर राइडिंग. आफ्टर 15 किलोमीटर स्ट्रगल फाइनली गॉट द टारमैक रोड. फाइनली वी कैन राइड अ मोटरसाइकिल. What a स्मूथ रोड. Khardungla ले तक अगर ऐसे ही रास्ता हो ना तो बढ़िया है. रोहन कहाँ रह गया? हैं? आगे वो? ये तो पंप पे था पीछे, में देखा था. दिन बीते रे भैया, अब आया टूटा रास्ता.
अब करो धकड़ धकड़ अगले 20-25 किलोमीटर। क्या है यार, लद्दाख में टोटल 1500 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई होगी, उसमें 500 किलोमीटर तो हमें रोड ही नहीं मिला है। रोड हमें मिला सिर्फ ले टू माहे ब्रिज या ले टू हाल बोल सकते पूरा, और कारगिल टू क्या बोल सकते हैं इसको, ले, ये दो बड़े स्ट्रेच में हमें कोई ऑफ रोडिंग नहीं मिली, यू गेट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड, बाकी सब जगह कबाड़ा, टोटल कबाड़ा। ये देखें आंखों में मिट्टी चली गई, बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं कब पहुंचेंगे खारदुंगला, 25 किलोमीटर ही पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। फाइनली आफ्टर राइडिंग 50 किलोमीटर विदाउट अ रोड वी गॉट अ टारमैक। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल राइड ऑन दिस टारमैक, बट यस वी डू गेट अ टारमैक टू राइड अ बाइक। चलो अब यहाँ पे खींचते बाइक कितना खींच सकते हैं, बिकॉज ले अबाउट 70 किलोमीटर फ्रॉम हेयर एंड खारदुंगला इज अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। ट्रैक को कुछ फोटोज क्लिक करते हैं खारदुंगला पे, देन वी स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट टू ले एंड कॉल ऑफ अवर राइड एज वी कंप्लीट द सर्किट टुडे ओनली। स्टॉप एट द सियाचिन होटल टू हैव मैगी एंड अ टी। So now we are ready to roll. Khardungla is about 14 kilometers from here and Leh is about 72 kilometers from here. Not 72, it's 57 kilometers approximately. So so far so good. Bike range is 380 kilometers, that's enough. So let's roll. Right valley man, this is North Kullu. Look at this man, entire white. लोगों को हल्की सी बर्फ मिली नहीं, ये बौखला जाते हैं, तो सब साला ट्रैफिक जैम करके खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखो तो बर्फ मेल्ट हो के रोड पे आ गई है, रोड भी डैमेज हो गया है और पानी भी भर गया है, ऊपर से लोगों ने गाड़ी खड़ा खड़ा के जबरदस्ती का ट्रैफिक जैम भी लगा दिया है। सुजीला तो इससे भी खतरनाक मिलने वाला है, वहां पे क्या होगा हमें तो ये। लुक एट दिस व्यू मैन, वी आर जस्ट 5 किलोमीटर्स बिहाइंड दी खारदुंगला। फाइनली रीच द माइटी खारदुंगला पास, दैट्स द खारदुंगला। खारदुंगला पास इज अबाउट 17, 19, 20, 50, 50. बट वी हैव टू लीव एज अर्ली एज पॉसिबल, सो वी आर जस्ट लिविंग नाउ, दैट्स इट, व्हिच इज अबाउट 17984, ऑलमोस्ट 18,000 फीट over the sea level, so it's a good place, but low, itni bheed thi yahan pe, so I feel like Umingla is much better, bahut easy doable hai, because Hanle tak road is super smooth, then you can go to this
Umlingla also. Umlingla Taki road is fantastically well. If you want to go by off-road, you can go by off-road. If you want to go by on-road, you can go by on-road also. So there is no worry. Here though, the road is in the pathetic condition, pathetic situation. Like you can fall also. And the ice is getting melted and entire water is on the road condition, man. Very bad, very, very bad. But look at the view in front of us. My God, snow, covered mountain, so beautiful. There is a construction going on, so we need to reroute through this dirt track. I think I don't know how the Benelli and GS 1250 will come on this track. Because abhi to phir bhi normal ho gaya, piche se itna steep tha, and there is a sharp turn also. Majorly it's not a road, it's just a track which has been created just to reroute. I got is bari the Ladakh mein itna reroute mila hai, itna traffic mila hai, aur itna zyada matlab road kharab mila hai na, matlab I never expect that. People are saying ki ye road bahut acha ho gaya hai, ye ho gaya, wo gaya, but it's all bullshit. Roads are pathetic. Wo dekho kitna lambe lambe jam lage hue, dekho zara. Seriously, man. Chalo, pahunchte hain Leh. Finally, we reach Leh and my bike complete 5,000 kilometers. Now the current Odo is 5,012 kilometers. And now my service is due, but time ho gaya hai almost 4. So, bada tough ho jayega ab to. Service karana, but I have to fix my chain at least.